मोहम्मद आजम खान वल्द जला मुमताज खां, वो मोहतरमा संजीन फातिमा लोजा आजम खां। एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और एक मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ भी बिलावलू वारंट जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे थाना गंज जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 में मिन जानिब अदालत स्पेशल जज MPMLA कोर्ट रामपुर की तरफ से मोहम्मद आजम खान वल्द जला मुमताज खां, वो मोहतरमा संजीन फातिमा लोजा आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां वल्द मोहम्मद आजम खां के खिलाफ धारा 82 के तहत इनके खिलाफ तय किया गया है कि तारीख 24/1/2020 को अदालत में हाजिर हो। आज माननीय आजम खान के चार पांच मामले हमारे कोर्ट में पेंडिंग थे ADA 6 में। उसमें दो मामले में उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई का आदेश ADA 6/7 द्वारा किया गया है। एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और एक मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ भी बिलावलू वारंट जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके अतिरिक्त भी कोई मामला नहीं, चार मामले थे। एक मामला तो यही था जो उनके पड़ोसी आरिफ राजा खान द्वारा एक FIR लिखवाई गई थी उनके खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ। उसमें लगातार गैर हाजिर हो रहे हैं, पहले भी गिरफ्तारी वारंट हुए, गिरफ्तारी वारंट पर नहीं आए हैं वो। तो आज कोर्ट ने 82 की कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और 20 जनवरी के लिए हाजिर होने के लिए उनको तारीख दी गई। इसके अलावा एक और मामला था, उसमें भी उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की गई है, उसमें 20 जनवरी नियत की गई है। दो होगा, तीसरा कौन सा है? तीसरा मामला कि उन्होंने एक आचार संहिता का उल्लंघन किया था। मामले में उन्होंने एक अपनी कौम के खिलाफ एक टिप्पणी की थी कि वर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था उनका। उसमें उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश कोर्ट द्वारा किया गया। चौथा कौन सा? चौथा उनका नहीं है, चौथा उनका बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ है, जो उन्होंने हमारी पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ टिप्पणी की थी कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उस मामले में उनके लगातार गैर हाजिर होने के कारण बीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया। तो बीडब्ल्यू वारंट क्या होता है? बेलविल वारंट होता है, जमानती वारंट जिसको कहते हैं, कि आप उसमें 22 तारीख नियत की गई है, 22 तारीख तक आप हाजिर होकर अपनी जमानत करवाएं। आजम खान गिरफ्तारी कौन सा हुआ जा रहा है इस मामले में? एक आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था, उसमें वीडियो वायरल हुआ था उनका। उस मामले में गिरफ्तारी का वारंट 20 जनवरी तक का समय दिया गया हमको, 20 जनवरी तक हाजिर होने कोर्ट में।